नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के विषय में। सुप्रीम कोर्ट से इनको बहुत बड़ा झटका लग गया है दोस्तों। इनके केस में जितने रूल रेगुलेशन हैं सब टूटते नजर आ रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके अगले ही दिन ईडी हाई कोर्ट पहुंच जाती है। हाई कोर्ट वो पहुंच गई है और इधर हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सुरक्षित रखे हुए हैं, जमानत में उनके स्टे कर दिया गया और अभी जजमेंट नहीं मिला हाई कोर्ट से कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और इधर अरविंद केजरीवाल जी के जो अधिवक्ता हैं वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि पूरा जजमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं। अरे कम से कम हाई कोर्ट क्या कह रहा है पहले इसे देख तो लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को कहा है कि ऐसे केस में हाई कोर्ट को फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहिए, सुनवाई करना चाहिए, जो जजमेंट देना था देना दे देना चाहिए था। पर अगर वो टाइम लिए हैं तो आज और कल देख लीजिए, आज सुनवाई होगी, कल तक में कुछ जो होता है वो सामने आएगा ही। और जैसे सामने आता है तो अगर इनके पक्ष में आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वहाँ से आपको गलत समझ में आए तब सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये नहीं कि आप अभी हाई कोर्ट आदेश को सुरक्षित रखे हुए हैं और आप जा करके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या जजमेंट दे सकते हैं जब अभी यहाँ पर फैसला ही नहीं आया है। मतलब कि जितनी जल्दबाजी है, इतनी भागम भाग, इतनी जल्दबाजी है बेल के लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि कितनी जल्दी बेल मिल जाए। अरे आप अब अंदर गए हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए। भारत के संविधान में और भारत के न्यायालयों पे ध्यान को रखते हुए और विश्वास भी रखिए कि आपको न्याय मिलेगा। अगर आप सही हैं तो जमानत मिलेगी, आप रिहा होंगे, अगर गलत हैं तो आपको सजा मिलेगी। इतने दिन से इतनी भागा दौड़ी करने की क्या आवश्यकता है कि जैसे कि आज यहाँ हुआ है, अभी यहाँ का जजमेंट नहीं आया है, तत्काल दौड़तिया बाहर भग जाओ, वहाँ से लेके आइए, ये करिए वो करिए। अरे आपके अंदर जल्दबाजी है, कानून के अंदर जल्दबाजी नहीं होती दोस्तों, वो तो अपना एक विधि के हिसाब से ही चलेंगी ना। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में, हम जल्दबाजी में दे दें। हाँ ये है कि थोड़ा कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हो जाती हैं तो उसका थोड़ा धैर्य रखिए और इंतज़ार करिए। अब अगर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होता है, इनके पक्ष में फैसला आता है कि विपक्ष में आता है, अगर इनको पक्ष में जमानत इनकी अलाउ कर दी जाती है तब तो सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर यहाँ से गड़बड़ हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा, जो कल तक सुनाया जा सकता है। इसके साथ ही सुनवाई को 26 जून तक टाल दिया गया कि भाई पहले वहां कल तक क्या फैसला आता है उसमें हो तो उसके बाद फिर आपको यहां पे बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे क्या जजमेंट करना है देखा जाएगा। तो उसको इंतजार करिए थोड़ा, और फैसले को सुरक्षित नहीं रखे जाते हैं ऐसे जो मेन मैटर आते हैं, पर रख लिए गए तो उसमें क्या किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। धन्यवाद।